नमस्कार दोस्तों, प्रतिभास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट वेज बिरयानी कुकर में, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप बासमती राइस, जिसे हमने आधा घंटा भिगोकर इसका पानी निकाल दिया था। 2 प्याज को हमने लंबे बारीक काट लिया है, 4 चम्मच तेल, आधी शिमला मिर्च, 1 आलू, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी गोभी, 1 कटोरी गाजर, और ये हमने खड़े मसाले में लौंग, काली मिर्च, जीरा और तेजपान का पत्ता लिया है। 3 हरी मिर्च को लंबी काट लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, थोड़ी सी हमने ये पुदीने की पत्तियां ली हैं, 2 चम्मच दही, 1 नींबू का रस और स्वादानुसार नमक। तो आइए शुरू करते हैं हम इंस्टेंट कुकर में बिरयानी बनाना। बिरयानी बनाने के लिए हमने ये कुकर को अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे, प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। हरी मिर्च डाल लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ये सब्जियां भी डाल देंगे, आलू डाल देंगे, मटर, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च भी मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर, बिरयानी मसाला मिक्स कर देते हैं। देखिए हमने इसे 5 मिनट चलाते हुए हल्का से पका लिया है, तब हम इसमें ये दही डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नींबू का रस डाल लेंगे, पांच मिनट हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें ये चावल भी डाल देंगे। चावल डाल दिए हमने, ये पुदीने की पत्तियां भी डाल देंगे हम इसमें। अब हमने 2 कप चावल लिए हैं तो हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। तीन कप पानी डाल दिया है हमने इसमें। हम 2 मिनट इसे खुला ही पकाएंगे और जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल दिखेगा तो हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए पानी में हल्का सा उबाल आने लगा है, तो अब हम इसे एक बार मिक्स करके और ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें हम 2 सीटी लेंगे तेज आंच पर। कुकर में 2 सीटी आ गई थी और हमने इसे ठंडा भी कर लिया है, तो अब हम इसे खोल लेंगे
अब हम इस पे थोड़ी सी धनिया डाल लेंगे। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। वेज बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।